हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास एट हिंदी का चैप्टर सिक्स भगवान के डाकि के, के क्वेश्चन आंसर्स और ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जो शब्द अर्थ हैं जो समझ में नहीं आते हैं जनरली जिन शब्दों के अर्थ वो देख लेते हैं तो बाँचना बाँचना का मतलब होता है पढ़ना किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ना पहले बाँचना बोला करते थे आंकना आंकना का मतलब होता है गैस मारना या अनुमान लगाना पाख पंख के लिए इस्तेमाल किया गया है सौरभ का मतलब होता है सुगंध मतलब या फिर अच्छी खुशबू और महादेश का मतलब होता है देखिए देश का मतलब तो हमारा जो कंट्री है वही होता है महा का मतलब होता है बड़ा तो महादेश हो गया बड़ा देश सुगंध का मतलब खुशबू या फिर महक आप कह सकते हैं अब देखिए हमें जो सही उत्तर है ना उस पर टिक लगाना है तो भगवान के डाकि नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है तो देखिए ये जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है प्रस्तुत कविता में भगवान के डाकि किन्हीं कहा गया है तो भगवान के डाकि जो है पक्षियों को बादलों को भगवान के डाकि इसमें कहा गया है नेक्स्ट है एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेजती है तो क्या भेजती है सुगंध भेजती है एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को नेक्स्ट है भगवान के डाके द्वारा लाई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ सकता तो भगवान के जो डाके होते हैं वो जो चिट्ठी लेकर के आते हैं उनको कौन नहीं पढ़ सकता कविता के अनुसार तो इसमें कहा गया है मनुष्य मतलब इंसान जो है वो भगवान जो हमें संदेश भेजते हैं उसको नहीं पढ़ पाता है अब ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो इनके आंसर्स काफी छोटे होते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन है भगवान के डाकि किसे कहा गया है और क्यों तो भगवान के डाकि पक्षी और बादल को कहा गया है क्योंकि ये भगवान के संदेश लेकर आते हैं तो पक्षियों बादलों को भगवान का डाकिया कहा गया है क्योंकि ये भगवान का जो है मैसेज जो संदेश है वो हमारे पास लेकर के आते हैं इनकी लाई चिट्ठियों में क्या संदेश होता है तो क्या संदेश होता है इनकी चिट्ठियों में पक्षी और बादल द्वारा लाई चिट्ठियों में एकता सद्भावना प्रेम त्याग समानता तथा भाईचारे का संदेश होता है तो हमारे जो संदेश होते हैं कि एकता हमें साथ मिल रहना चाहिए सद्भावना सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए सबसे हमें प्रेम करना चाहिए एक दूसरे के लिए हमें सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहना चाहिए त्याग करना चाहिए दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए समानता सबको एक जैसा समझना चाहिए और अच्छे से मिलजुल करके रहना चाहिए ये जो भगवान के डाकिए हैं पक्षी और बादल ये संदेश लेकर के आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डाकिए प्रपांग डाकियों से मतलब बाकी सारे डाकियों से किस तरीके से भिन्न होते हैं जो परंपरागत ये परंपरागत आना चाहिए यहाँ जो परंपरागत डाके जो हम लोगों के लिए डाक लेकर के आते हैं उनसे ये डाके जो भगवान के डाके हैं पक्षी और बादल वगैरह ये कैसे अलग हैं तो देखिए इसका आंसर है परंपरागत डाके मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए भेजे गए संदेश लेकर आते हैं इसके विपरीत ये विपरीत नहीं होगा ये ऐसे होगा विपरीत वी व आएगा प र और ई और त ठीक है ये आएगा विपरीत तो परंपरागत डाके जो हैं मनुष्य हम लोग भेजते हैं जो चिट्ठी वगैरह और मनुष्यों के लिए दूसरे इंसानों के लिए हम भेजते हैं वो ये परंपरागत डाके मनुष्य का संदेश लेके आते हैं इसके विपरीत पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आते हैं जिन्हें हम नहीं पढ़ पाते तो पक्षी और बादल जो है वो भगवान का संदेश लेकर के आते हैं और परंपरा परंपरागत डाकिए परंपरागत डाकिए का देख लिए ये मतलब है कि जो नॉर्मल डाकिए होते हैं जो हम लोग पोस्ट ऑफिस वगैरह में देखते हैं वो तो इंसानों के लिए संदेश लेकर के आते हैं और इंसान ही उस संदेश को भेजते हैं अब बड़े वाले जो आंसर हैं लघु और एवं दीर्घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दीर्घ मतलब बड़े जो जिसके आंसर्स होते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन है कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकि क्यों बताया है ये हमें बताना है कि क्यों बताया भाई पक्षियों को और बादलों को भगवान के डाकि तो देखिए इसका आंसर है पक्षी और बादल भगवान द्वारा भेजा गया ये भेजा नहीं होगा सॉरी यहाँ पे जो है ना वो भ होगा ऐसे भेजा तो ये ऐसे करके आएगा थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स है मैं आपको बता दे रही हूँ पक्षी और बादल भगवान द्वारा भेजा गया संदेश लेकर आते हैं इनकी लाई चिट्ठियों चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है चिट्ठियों को पेड़ पौधे पर्वत पहाड़ पानी आदि पढ़ते हैं तो ये वाली जो चिट्ठियाँ हैं जो भगवान भेजते हैं इनको कौन कौन पढ़ते हैं पेड़ पौधे पर्वत पहाड़ पानी ये सब पढ़ते हैं पक्षी और बादल यहाँ पे हम देखें पक्षी और बादल द्वारा लाया गया भगवान का संदेश किसी व्यक्ति के लिए ना होकर सारे संसार के लिए होता है तो पक्षी और बादल जो संसार के लिए संदेश लेकर के आते हैं भगवान के द्वारा वो सबके लिए होता है यह विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाते हैं विश्व बंधुत्व का मतलब है पूरी दुनिया के भाईचारे का संदेश फैलाते हैं ये इंसानी डाकियों की तरह मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमाओं में बंद कर कार्य नहीं करते तो जो इंसान ने जैसे हमारे जो देश की बाउंड्री हमने बना रखी है कि हिंदुस्तान है नेपाल है चाइना ये पाकिस्तान तो इस तरीके की जो बाउंड्री इंसान ने बना रखी है इन बाउंड्रीज में बंद के इन दीवारों में बंद कर ये भगवान के जो डाक हैं पक्षी और बादल इसमें काम नहीं करते हैं ये ये तो हर जगह अपना जो है विश्व बंधुत्व सब एक जैसे हैं सब भाईचारे के साथ रहे इसका संदेश पहुंचाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं तो पक्षी और बादल जो चिट्ठी लेकर के आते हैं उसमें पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये क्या पढ़ते हैं तो वो बताना है तो देखिए कविता में पक्षी और बादल भगवान की चिट्ठी लाते हैं तो कविता में पक्षी और बादल किसकी चिट्ठी लेकर के आते हैं भगवान की चिट्ठी पेड़ पौधे पहाड़ पानी आदि चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं क्योंकि ये सभी भी तो ईश्वर की ही कृति है मतलब ईश्वर ने ही इनको बनाया है इनके आसपास जो सुगंध प्रगति में उड़ रही है तथा जल जो वाष्प रूप में चारों ओर विद्यमान है उसे दूर दूर तक फैलाना है इस कार्य को बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण रूप से पूरा करते हैं तो देखिए पक्षी और बादल चिड़िया पेड़ पौधे ये कैसे पढ़ पाते हैं क्योंकि देखिए पेड़ पौधे पेड़ पौधों को भी भगवान ने बनाया है जिस तरीके से पक्षी और बादलों को और इंसान जो है वो भगवान के संदेश को पढ़ना भूल गया है मगर ये लोग भगवान के संदेश को पढ़ना नहीं भूले हैं तो जो संदेश या फिर जो सुगंध पक्षी और बादल अपने साथ ले करके आते हैं वो संदेश जो है पेड़ पौधे और पानी ये सारे के सारे लोग आराम से और अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं अब वाक्य प्रयोग है चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ का मतलब होता है पत्र तो आप इसका वाक्य बना सकते हैं भारतीय जवान चिट्ठियों का बहुत इंतज़ार करते हैं क्योंकि बॉर्डर पे तो चिट्ठियाँ जाती हैं तो अपने घर वालों की चिट्ठियों का वो लोग इंतज़ार करते हैं सुगंध का मतलब होता है महक तो मुझे गीली मिट्टी की सुगंध बहुत अच्छी लगती है आप इस तरीके से बोल सकते हैं भगवान का मतलब होता है ईश्वर तो उसका वाक्य बन सकता है उसने भगवान पर विश्वास रखा इसलिए वह बच गया तो वो कैसे बच गया क्योंकि उसने भगवान पर विश्वास रखा महादेश महादेश होता है जो बड़ा आदेश होता है आ, तो आप इसमें महादेश तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं महादेश में कि सरकार ने आ, जो है राज्यपालों को महादेश दिया है कि राज्य में काम अच्छे से चले इस तरीके से बड़ा आदेश दिया गया है तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं थैंक यू